डियर कॉल्ड सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स आज स्टूडेंट्स आप देखिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं सारे तो मैं आप बना भी नहीं सकता मोबाइल फोन लैपटॉप कंप्यूटर्स प्रोजेक्टर्स एंड वॉट नॉट इवन मेडिकल पर्पज में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यूज होता है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सैटेलाइट सेटेलाइट्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं कार्स मतलब हर जगह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है तो इनके कारण हमारी लाइफ जो है आज बहुत मॉडर्न और आसान हो गई है स्टूडेंट्स और मैं आपको बताऊं कि ये सारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जादू है उसकी ये जो कहानी है हम बोल सकते हैं दिस इज ऑल अराउंड 300 हंड्रेड ईयर्स ओल्ड देखो ऐसे तो साइंस का डेवलपमेंट सदियों से होता आ रहा है बट लास्ट 300 हंड्रेड ईयर्स जो रहे हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के उसमें साइंस का डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ है न्यूटन आइंस्टीन नील मैक्सवेल ये सब ग्रेट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया साइंस के डेवलपमेंट में और इसमें भी स्टूडेंट्स जो लास्ट 50 इयर्स रहे हैं उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक नई उड़ान ली है बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है क्या कारण है क्या कारण है कि लास्ट फिफ्टी ईयर्स में साइंस और टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ तो ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं स्टूडेंट्स बट एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो है दैट इज ट्रांजिस्टर दैट इज ट्रांजिस्टर 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 एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इसका इन्वेंशन हुआ था 1948, 1948। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है मतलब तो तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बारे में सोचना ही इंपॉसिबल है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप देखते हो ना उस सब के अंदर ये ट्रांजिस्टर नाम की चीज होती है तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है तो थोड़ा सा मैं अभी आपको बताऊं जैसे हमने पहले इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ा है डिफरेंट चैप्टर्स में इलेक्ट्रिक सर्किट्स तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स की हम बात करते हैं जैसे रेजिस्टर्स ठीक है कैपेसिटर्स इंडक्टर्स बैटरीज ठीक है तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में होते हैं लेकिन ये सिंपल टाइप के एलिमेंट्स होते हैं वैसा ही एक एलिमेंट आप सोच सकते हो भी कि ट्रांजिस्टर भी है ठीक है जिस तरह से रजिस्टर एक एलिमेंट होता है सर्किट का कैपेसिटर इंडक्टर बैटरी वैसे ही आप सोच सकते हो कि ट्रांजिस्टर भी एक सर्किट एलिमेंट है बस ये बात है कि ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टूडेंट्स तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स इसी के बारे में हम धीरे धीरे जानना शुरू करेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट डरने की बात नहीं मैं आपको समझा दूंगा पहले हम कुछ दूसरी चीजें देखेंगे जो हमें ट्रांजिस्टर को समझने में हेल्प करेगी तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स तो चले स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं तो हम दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पे समझेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं इंसुलेटर्स क्या होते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं ये तो आपको पता होगा बट सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं इसको थोड़ा हम यहां पे देखेंगे उनकी बेसिक भी पहले हम देखेंगे बाद में डिटेल में भी देखेंगे तो जैसे स्टूडेंट्स अगर हम कोई सबस्टैंस लें उसका लैटिस लें कोई सब्सटैंस लें उसका लैटिस लें तो उसमें आप देखो बहुत सारे एटम्स होंगे मिलियंस और बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे अब देखो किसी भी एक एटम को स्टूडेंट्स आप जूम करके देखो किसी भी एक एटम को हम जूम करके देखते हैं। तो उस एटम के अंदर क्या होता है हमें पता है हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा है स्टूडेंट्स पहले तो उसके अंदर सेंटर पे न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट्स जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है जैसा कि आप देख सकते हैं फिर ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ठीक है ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं अब देखो स्टूडेंट्स उसमें हम जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर थोड़ा फोकस करना चाहते हैं इनफैक्ट आपने देखा ही होगा कि मोस्ट ऑफ टाइम हम एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ही फोकस करते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी क्योंकि वो ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहां पर तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि कंपेयर टू एनी अदर इलेक्ट्रॉन वो लूजली बाउंडेड होता है लूजली बाउंड होता है न्यूक्लियस से ठीक है क्योंकि वो सबसे दूर होता है ना तो अगर हम निकालना चाहें किसी इलेक्ट्रॉन को तो सबसे बाहर वाले को निकालना ही थोड़ा इजी होगा ठीक है

टाइटली बाउंड होगा उतना लूज नहीं होगा थोड़ा टाइट होगा तो उसको निकालना उतना आसान नहीं होने वाला अब मेरी बात तो इसको मैं लिख भी देता हूं इन इन सम सम एटम्स एटम्स आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इज लूजली लूजली बाउंड बाउंड तो कुछ ऐसे एटम्स हो सकते हैं जिसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ही लूजली बाउंड हो निकालना काफी आसान हो इसको एंड इन सम टाइटली लेकिन कुछ ऐसे एटम्स भी हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से और फिर इसको निकालना आसान नहीं हो स्टूडेंट्स ठीक बट इन एनी केस आप सोचो कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालना चाहते हैं ठीक है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलता है ये कैसे बाहर निकलता है तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें समझना पड़ेगा कि थर्मल एनर्जी क्या होती है इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा है different चैप्टर्स में शायद आपको याद हो या नहीं हो तो मैं आपको ये करा दू कि थर्मल एनर्जी क्या होता है जैसे कि आप सपोज करो दो substances है हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं एक 50 डिग्री centigrade पे स्टूडेंट्स और एक 100 डिग्री centigrade पे ठीक है मतलब ये ज्यादा गर्म है हॉट है लेकिन ये उतना गर्म नहीं है तो अब आप बताएं कि इनके अंदर जो एटम्स या मॉलिकुल्स होंगे उनमें क्या हो रहा होगा उनमें वाइब्रेशन हो रहा होता है स्टूडेंट्स ठीक है ये वाइब्रेट कर रहे होंगे वाइब्रेट 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 और ये क्योंकि लो टेम्परेचर पे स्टूडेंट तो इसमें जो वाइब्रेशन है वो कम हो रहा होगा जैसा कि मैंने बनाया भी है और क्योंकि ये ज्यादा हाई टेम्परेचर पे है तो इसमें जो वाइब्रेशन होगा वो ज्यादा विग्रस होगा विग्रस होगा ज्यादा ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे ये ठीक ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे होंगे और ये धीरे 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 वाइब्रेट कर रहे हैं आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स तो अब ये जो वाइब्रेशन है वो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशन कम होता है ये हमने पहले भी पढ़ा है डिफरेंट चैप्टर्स में हाई चर पे वाइब्रेशन ज्यादा होता है दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट और ये हमें आगे कई जगह पे काम आएगा स्टूडेंट्स कोई सब्सटेंस लो टेम्परेचर एटम्स कम वाइब्रेट कर रहे होंगे और हाई टेम्परेचर पे है तो उसके एटम्स ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे ठीक है तो अब इस वाइब्रेशन के कारण जो एनर्जी होती है उसी को थर्मल एनर्जी बोलते हैं ठीक है वाइब्रेशन के कारण जो एनर्जी होती है उसी को हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं देखो लिखा भी है मैंने दी ड्यू टू दिस वाइब्रेशन द एनर्जी ड्यू टू दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी सही है स्टूडेंट्स तो इसका मतलब यह हुआ कि जब यह सबस्टांस ज्यादा टेम्परेचर हो, पे होगा ज्यादा टेम्परेचर पे होगा तो थर्मल एनर्जी जो है वो भी ज्यादा होगी आई होप यू अंडरस्टैंड ठीक है तो अब आप थर्मल एनर्जी और ये जो चीज हमने पढ़ी थी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की उसको आपस में रिलेट कर पा रहे होगे शायद तो आप समझ सकते हो कि हम ये बात कर रहे थे कि इस इलेक्ट्रॉन को कैसे बाहर निकाला जा सकता है तो आप अब सोच पा रहे होगे कि ये जो वाइब्रेटिंग एटम्स है वाइब्रेटिंग एटम्स है जब वो वाइब्रेट करेंगे और खासकर जब ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा हो सकता है कि जब वो ज्यादा वाइब्रेट करे तो उनके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होने पर बाहर आ जाए बाहर आ जाए ठीक है बाहर आ जाए तो हम यहां पर तो स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम मे बी नॉक्ड आउट मे बी नॉक्ड आउट ड्यू टू थर्मल एनर्जी ड्यू टू थर्मल एनर्जी ड्यू टू थर्मल एनर्जी मतलब ड्यू टू वाइब्रेशन ड्यू टू वाइब्रेशन अब देखो स्टूडेंट्स अब हम रेडी हैं कंडक्टर सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर को समझने के लिए तो सबसे पहले हम कंडक्टर और इंसुलेटर्स की बात करें देखो कंडक्टर्स में स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटमोस्ट या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स लूजली बाउंड होते हैं लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं उनको निकालना आसान होता है लेकिन इंसुलेटर्स में जो आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स वो टाइटली बाउंड होते हैं टाइटली बाउंड होते हैं उनको निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है बहुत डिफिकल्ट होता है ठीक है

उट नॉक डाउट फ्रॉम देउट ड्यू टू थर्मल इनर्जी ड्यू टू थर्मल इनर्जी थर्मल एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नॉकआउट हो जाते हैं वो फ्री कहलाते हैं देहा कॉल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। को तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट कि अगर ये एक कंडक्टर का लैटिस है और उसमें बहुत सारे एटम्स है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट होके फ्री हो गया फ्री हो गया ठीक है जैसे ये एटम है तो सपोज को इसका भी इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट होकर बाहर आ गया और फ्री हो गया अब फ्री होके ये पूरे लैटिस में घूम सकता है कहीं भी जा सकता है पूरे लैटिस में कहीं भी वो मंडरा सकता है घूम सकता है मस्ती कर सकता है यू नो इट्स फ्री इट्स फ्री टू गो एनी ठीक है उसको जहां मन है वो जा सकता है ओके इसका भी इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो लैटिस में कहीं भी घूम सकता है ठीक है तो कंडक्टर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स की जो आउटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होते हैं तो थर्मल एनर्जी के कारण यानी वाइब्रेशन के कारण वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम से बाहर आ जाते हैं और बाहर होके वो लैटिस में फ्रीली घूम सकते हैं फ्रीली घूम सकते हैं हैं उनको बोलते फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स ठीक है free electrons, free electrons, जो बाहर आ गए उनको क्या बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन आप समझ रहे होंगे इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं होता है इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है तो वो थर्मल एनर्जी के कारण बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब हो सकता है कि कुछ बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो भी मतलब कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए बहुत ही कम एटम्स के बट बहुत ही कम होगा वो नंबर ठीक तो कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट लूजली बाउंड होता है जिसके कारण थर्मल एनर्जी के कारण वो बाहर आ जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कहीं भी घूम के जा सकते हैं लैटिस में इंसुलेटर्स में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते स्टूडेंट्स ठीक है अब कंडक्टर्स के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमें पता ही हैं जो मेटल्स होते हैं जनरली मेटल्स जैसे कि आयरन हो गया स्टूडेंट्स कॉपर uh, हो गया एल्युमिनियम हो गया दी देन गोल्ड एंड सिल्वर हो गया सो मेटल्स मेटल्स आर बेसिकली कंडक्टर्स इंसुलेटर्स की हम एग्जाम्पल की बात करना चाहें स्टूडेंट्स तो वुड हो गया ठीक है ग्लास हो गया जनरली uh, प्लास्टिक की जो चीजें होते हैं दे आर ऑल इंसुलेटर्स ठीक है अब देखो हम देखते हैं क्या देखते हैं आप समझ ही रहे होंगे जो हमारा मेन काम है सेमी कंडक्टर्स को देखना सेमी कंडक्टर क्या होते हैं और आप समझ भी गए होंगे स्टूडेंट सेमी कंडक्टर क्या होते हैं नाम से ही क्लियर है सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर मतलब थोड़ा थोड़ा कंडक्टर की तरह सेमी कंडक्टर थोड़ा थोड़ा कंडक्टर की तरह। तो बेसिकली क्या होता है कि सेमी कंडक्टर जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच की चीज होती है दोनों के बीच की चीज होती है तो बीच की चीज तो तो होगी तो इसका मतलब होगा कि इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होंगे कंडक्टर के लूजली बाउंड होते हैं इंसुलेटर के टाइटली बाउंड होते हैं और इसके बीच की सिचुएशन क्या हो सकती है कि मॉडरेटली बाउंड मॉडरेटली बाउंड ठीक है मतलब बहुत लूजली बाउंड भी नहीं होते हैं बहुत टाइटली बाउंड भी नहीं होते हैं मॉडरेटली बाउंड होते हैं ठीक ठाक बाउंड होते हैं तो आप सोच सकते हैं यहां पर थर्मल एनर्जी के कारण क्या होगा सम इलेक्ट्रॉन्स नॉकड आउट नॉकड आउट ड्यू टू थर्मल एनर्जी क्योंकि मॉडरेटली बाउंड होते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थर्मल एनर्जी के कारण बाहर आ जाएंगे ठीक है तो सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेमी कंडक्टर्स में होते हैं कंडक्टर्स में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इंसुलेटर में नहीं के बराबर है और सेमी कंडक्टर में थोड़े मोरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थोड़े मोरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स तो आपको समझ में आया सेमी कंडक्टर क्या है वो इंसुलेटर और कंडक्टर की बीच की कोई चीज है और उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जैसे सिलिकन सिलीकन इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेमी ठीक है उसका सिंबल होता है ऐसा पता होगा नहीं पता है तो पता होना चाहिए जर्मेनियम जर्मेनियम दिस इज ऑल्सो सेमी कंडक्टर दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर सेमी कंडक्टर देन गैलियम आर्सेनाइड गैलियम आरसेनाइड गैलियम आर्सेनाइड दिज आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर और भी बहुत सारे सेमी कंडक्टर्स होते हैं कुछ और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं सेमीकंडक्टर्स के मोर एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर कंडक्टर जैसे सिलीकॉन जर्मिनियम जो मैंने आपको बताया ये एलिमेंट्स होते हैं फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कुछ होते हैं जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके कुछ नाम यहां पर रखे हुए हैं गैलियम आर्सनेट मैंने अभी भी आपको बताया कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जैसे यहां पर लिखे हुए हैं जो कि सेमी होते हैं कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जैसे यहां पर लिखे हुए हैं जो सेमी होते हैं ठीक है हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट सेमी कंडक्टर सिलीकन जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड होते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स समझ रहा है तो यहां पे हमने क्रूड वे में सिंपल वे में ये समझने की कोशिश की कि सेमी कंडक्टर क्या होता है और कंडक्टर और इंसुलेटर भी क्या होता है ठीक है लेकिन अब हम जो चीज पढ़ने वाले हैं उसमें हम सेमी को और डिटेल में समझेंगे कि वो एक्चुअली में क्या होता है और डिटेल में इनफैक्ट कंडक्टर इंसुलेटर को भी और डिटेल में तो okay, students, हम आगे बढ़ते हैं एनर्जी बैंड थियरी देखो यहां पे मैं ऑप्शनल वर्ड मैंने क्यों लिखा है, है थोड़ी सी लंबी होगी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी एक थियोरी हम पढ़ने वाले और लास्ट में हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो कंक्लूजन ही इंपॉर्टेंट है बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है इंटरेस्टिंग भी है यार याद बहुत मजा भी आएगा आपको ये थी हम देखेंगे उससे रिलेटेड सच कोई क्वेश्चन आपसे मोस्ट लाइकली नहीं पूछा जाएगा कभी भी लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स की कुछ बच्चों को ऐसे क्यूरियसिटी होती है कि यार वो कंक्लूजन आया कैसे ठीक है इसलिए वो थियोरी में आपको बता रहा हूं तो मेरा एडवाइस ये कि आप थ्योरी भी सुन लें ठीक है जितना आपको समझ में आए और लास्ट में जो कंक्लूजन है वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा वो याद रख लें आप ठीक है और एक और एडवाइस है मेरा कि आप बहुत अच्छे से समझना चाहे तो कई बार वीडियो को सुने क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस तरह कंप्यूटर पढ़ने का यही तो एडवांटेज होता है आप कितनी बार भी रिवाइंड सुन सकते हो स्टूडेंट्स तो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज एनर्जी बैंड थ्योरी चलो स्टूडेंट्स बोर्स एटम की बात करते हैं बोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था उसके बारे में हमने पढ़ा भी है फिजिक्स में पढ़ा है केमिस्ट्री में पढ़ा है तो आपको पता ही क्या होता है उसमें न्यूक्लियस होता है सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन उसके राउंड ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं ठीक है और ये भी होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स ही होते हैं जिसमें वो घूम सकता है ठीक है कहने का मतलब ये होता है कि मान लो वो इस ऑर्बिट में घूम सकता है और इस ऑर्बिट में घूम सकता है तो इस पॉसिबल कि इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में कोई थर्ड ऑर्बिट नहीं होगा जिसमें वो घूम सके ठीक है इसमें घूम सकता है तो इसी में घूमेगा या फिर इसमें घूमेगा और यह भी होता है स्टूडेंट्स की हर ऑर्बिट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हर ऑर्बिट एक कॉरस्पॉन्डिंग एक एनर्जी लेवल होता है मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा तो वो उसका एक एनर्जी लेवल होगा अगर वो इस ऑर्बिट में होगा तो उसका एक एनर्जी लेवल होगा इस ऑर्बिट में होगा तो उसका एक तो एनर्जी लेवल होगा और ये जो एनर्जी लेवल होता है स्टूडेंट्स वो डिसाइड कैसे होता है ये भी हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो वो फोर्स कितना लग रहा है स्टूडेंट्स उसी से ये एनर्जी लेवल डिसाइड होता है ठीक है अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, ठीक है तो पास आ गया तो अब क्या है कि डिस्टेंस कम हो गई है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज हो जाएगा तो एनर्जी लेवल भी चेंज हो जाता है ठीक है अब देखो यहां में लिखता हूं स्टूडेंट्स इनफैक्ट आपको पता है ये, ये बात कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड हैव एंड दस हैव सेम एनर्जी लेवल्स सेम एनर्जी लेवल्स देखो बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स ये हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हम कोई एक ही एलिमेंट ले रहे हैं जैसे कि सिलीकन ले, ले लेते हैं ठीक है कोई एक ही एलिमेंट अगर हम ले रहे हैं जैसे सिलिकन तो उसके जितने भी एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं आइडेंटिकल होते हैं ठीक है और क्योंकि वो आइडेंटिकल होते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल्स भी एक्जैक्टली exactly कैसे होते हैं स्टूडेंट्स एग्जैक्टली सेम होते हैं ठीक है ये सब हमने पढ़ा है लेकिन यहां पर क्या चे स्टूडेंट जो मैं यहां पर एड करूंगा ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल दस हैव सेम एनर्जी लेवल्स इफ आइसोलेटेड इफ आइसोलेटेड ये जो मैंने इफ आइसोलेटेड इसका क्या मतलब यह हमें समझना थोड़ा जरूरी है जैसे देखो स्टूडेंट्स की ये लैटेस्ट है ठीक है मतलब फॉर एग्जाम्पल सिलीकन की हम बात करते सिलिकन का एक टुकड़ा है सब उसका लैटेस्ट है तो एक ही एटम हुआ क्या नहीं उसमें तो हजारों एटम होंगे करोड़ों एटम होंगे मैंने कुछ बनाया उसमें से ठीक है अब देखो आप एक एटम एक एटम का एनर्जी लेवल कैसे डिसाइड होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कैसे इंटरेक्ट करता है क्या अट्रैक्शन फोर्स लगता है उनके बीच में उससे ये एनर्जी लेवल डिसाइड होता है ठीक है स्टूडेंट्स अब देखो यहां पे क्या होगा यहां पर हम कोई एटम लें और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मान लो इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं या किसी भी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स वो अपने न्यूक्लियस के साथ तो इंटरेक्ट करेगा ही इज नो डाउट अबाउट इट अपने न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा लेकिन अब सोचो ना कि बगल में जो दूसरा एटम एटम है है बगल में जो दूसरा आटम है, उसके न्यूक्लियस के साथ भी कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसका हो सकता है थोड़ा सा ही लगे लेकिन लगेगा जरूर फिर उसके बगल में जो दूसरा एटम है उसके न्यूक्लियस के साथ भी थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा मतलब तो आगल बगल जितने भी एटम्स हैं उन सबके न्यूक्लियस के साथ उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा ठीक है तो क्योंकि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से ही एनर्जी लेवल डिसाइड होता है तो क्योंकि यहां पे ये और ज्यादा इंटरेक्शन कर रहा है अगल बगल के एटम्स के न्यूक्लियस से तो इसका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा चेंज एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स ठीक है तो देखो इस पॉइंट को हम नोट डाउन कर लेते हैं एनर्जी लेवल

तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ अपने न्यूक्लियस से इंटरेक्ट कर रहा है तो उसका कुछ एनर्जी लेवल होता है लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा बाकी न्यूक्लियस के साथ भी अट्रैक्ट करेगा तो उसका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है चेंज हो जाता है ठीक अब देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो मान लो जैसे कि हमने ये बीच वाला एटम लिया था बीच वाला एटम लिया था ठीक है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अगल बगल के न्यूक्लियस सबसे इंटरेक्ट करता है ठीक है लेकिन सपोज करो हमें कोने का आइटम ले लें ये वाला लेते हैं कोने का उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट्स उसका ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगा अगल बगल वाले न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगा लेकिन आप देख सकते हो कि इसके लिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए सिचुएशन थोड़ी अलग है कंपेयर टू दिस कैसे अलग है इसके चारों तरफ एटम्स हैं, इसके चारों तरफ एटम्स हैं। लेकिन इसके चारों तरफ एटम नहीं है इसके चारों तरफ एटम नहीं है ठीक तो देखो इसका जो अगल बगल वाले न्यूक्लियस से इंट्रेक्शन होगा वो थोड़ा अलग होगा और इसका जो अगल बगल वाले न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगा वो अलग होगा ठीक है क्योंकि इसके चारों तरफ आइटम्स है और इसके चारों तरफ एटम्स नहीं है ठीक है स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है आ, उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज अलग है और ये जो है उसका भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज अलग है तो उसके कारण क्या होगा कि इसका जो एनर्जी लेवल होगा वो अलग हो जाएगा और इसका जो एनर्जी लेवल हो जाएगा वो भी अलग हो जाएगा देखो यही मैं आपको बता रहा था जब मैं लिख रहा था इफ आइसोलेटेड देखो जब एक एटम आइसोलेटेड है ठीक है अलग है बिल्कुल बिल्कुल अलग है तो इस एटम की सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी और आइसोलेटेड एटम की है ठीक है जब यह एटम आइसोलेटेड है तो इसकी सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई दूसरा आइसोलेटेड एटम है ठीक है

वही हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पे इन अ लैटिस इन अ लैटिस ऑल एटम्स हैव स्लाइटली डिफरेंट नेबरहुड डिफरेंट नेबरहुड स्लाइटली डिफरेंट नेबरहुड सो ऑल ऑफ देम हैव स्लाइटली डिफरेंट इनर्जी लेवल्स लेवल्स आई होप स्टूडेंट्स कि आप समझ लोंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं सिंपली ये बोल रहा हूं कि जब एक आटम आइसोलेटेड होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इंटरैक्ट करता है तो एक एनर्जी लेवल ऐसे बनते हैं ठीक है और हर आटम के लिए सिचुएशन सेम होती है तो सेम इनर्जी लेवल होता है लेकिन लेटेस्ट में हर एटम का सीनारियो थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि हर आइटम का सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो जाता है तो उनके एनर्जी लेवल्स भी थोड़े थोड़े से अलग हो जाते हैं वही बात हमने यहां पे मेंशन की है तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हमने यहां पे देखा है उसको और हाईर लेवल पे ले जाते हैं ठीक है और एग्जाम्पल हम सिलिकन एलिमेंट का ही रखते हैं क्योंकि ऐसे भी इस चैप्टर में सिलिकन ही सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारे लिए सेमी होता है बताया था मैंने आपको सेमी और सेमी के बारे में ही पढ़ना है इस चैप्टर में तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस चैप्टर तो इसी का एग्जाम्पल लेना लॉजिकल है देखो सिलीकन जो होता है स्टूडेंट्स उसका एटॉमिक नंबर 14 होता है 14 आपको पता होगा नहीं पता है तो आप याद कर ले ठीक तो ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो आप देख सकते हैं थर्ड ऑर्बिट उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स फोर यू कैन क्लियरली सी फोर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अब देखो इनका अगर मैं एनर्जी लेवल बनाऊं तो ये जो 3s है 3s उसका एनर्जी लेवल कुछ मैं शायद इस तरह से बना सकता हूं स्टूडेंट्स थ्री एस का एनर्जी लेवल और ये जो थ्री पी है उसका एनर्जी लेवल मैं इस तरह से कुछ बनाता हूं ठीक है तो देखो थ्री पी में थ्री पी में सिक्स स्टेट्स अवेलेबल है ठीक है हालांकि उसमें सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन है अगर हम थ्री एस की बात करें तो इसमें दो स्टेट्स अवेलेबल है और दो इलेक्ट्रॉन है मतलब ये जो है वो फुल्ली फुलर्ड है और इसमें फोर वैकेंसीज है फोर वैकेंसीज है ठीक है स्टूडेंट्स तो अगर हम एक सिलीन आटम की बात कर रहे हैं तो उसका एनर्जी लेवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए मैंने लिया थ्री एस थ्री एस जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है और दो ही स्टेट भी थे थ्री पी थ्री पी जिसमें सिक्स स्टेट है उसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन एक्चुअली आ सकते थे बट दो ही ठीक अब स्टूडेंट्स आप कि हमारे पास एक आइटम नहीं एक आइटम नहीं बल्कि बहुत सारे सिलीकन के आइटम्स हैं बहुत सारे सिलिकन के एटम्स हैं। सपोज करो एन एटम्स तो दूर, -दूर, है, दूर, -दूर, है, दूर दूर है मतलब आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे तो एक्चुअली कैसा टर्म यूज करना चाहिए बताया तो मैं सोच सकते कि हमारे बहुत सारे सिलिकन के एटम्स हैं और सब के सब कैसे मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे अब इन सब के लिए अगर हम एनर्जी लेवल्स बनाना चाहें तो क्या होगा देखो बहुत सिंपल है सबके एनर्जी लेवल सेम होंगे सेम एनर्जी लेवल्स होंगे क्यों सेम होंगे सेम एनर्जी लेवल्स क्यों सेम एनर्जी लेवल्स होंगे क्योंकि वो आइसोलेटेड है अभी भी हमने देखा था आइसोलेटेड होने पर सबके एनर्जी लेवल सेम होते हैं सब बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं ठीक है सेम एनर्जी लेवल्स होंगे तो देखो यहां पर थ्री है थ्री वैसे ही सारे एटम्स में थ्री होगा एन एटम्स है तो सब में थ्री होगा तो हमारे पास टोटल

लेकिन लैटिस जो होता है उसमें एटम्स बिल्कुल पास पास होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं कोई डाउट की बात नहीं है इसमें तो हमें क्या करना है कि ये जो दूर दूर एटम्स है उनको हम पास लाना चाहते हैं तो पहले थोड़ा पास लाते हैं ठीक है लैटिस में जितने पास होते हैं उतने नहीं पहले हम थोड़ा पास लाते हैं उनको इस तरीके से थोड़ा पास लाते हैं देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि जो एटम्स है उनका एटॉमिक स्पेसिंग को मैं कम कर रहा हूं एटोमिक स्पेसिंग जो है उनको मैं कम कर रहा हूं उनको थोड़ा पास ला रहा हूं धीरे धीरे करके और पास लाऊंगा अभी थोड़ा पास लाया देखो तो थोड़ा जब पास लाएंगे हमें स्टूडेंट्स तो क्या होता है जैसा आप समझ रहे होंगे अब जैसे हम ये एटम ले तो ये बाकी सबके साथ भी इंटरेक्ट करने लगेगा करने लगेगा ना बाकी सबके साथ भी थोड़ा थोड़ा इंटरेक्ट करने लगेगा जिससे इसके एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे थोड़े से इसके एनर्जी लेवल्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे इनफैक्ट सारे एटम्स के एनर्जी लेवल्स थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे और एक दूसरे से अलग होंगे जैसा अभी हमने देखा था सारे एटम्स के एनर्जी लेवल्स थोड़े थोड़े अलग हो जाएंगे तो देखो क्या होता है कि ये जो यहां पे टू एंड स्टेट थे टू एंड स्टेट वो इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं इस तरह से कुछ स्प्लिट हो जाते हैं ठीक है तो ये क्या हुआ कि ये टू एंड स्टेट हर एटम के जो एक ही जगह पे थे वो स्प्लिट हो जाएंगे ऐसे किसी का थोड़ा ज्यादा एनर्जी लेवल किसी का थोड़ा कम सबका थोड़ा थोड़ा अलग एनर्जी लेवल हो जाएगा स्टूडेंट सबका थोड़ा थोड़ा अलग एनर्जी लेवल हो जाएगा ठीक है